पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन से ठीक पहले राजस्थान भाजपा की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के एक बयान ने इसमें भूचाल ला दिया है। दरअसल आहूजा ने एक वीडियो जारी करते हुए वसुंधरा राजे को आगामी मुख्यमंत्री का मोह त्याग देने की नसीहत दे डाली है। यही नहीं, पूर्व विधायक ने यहाँ तक कह दिया कि पार्टी नेतृत्व को अब किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाए जाने का मौका देना चाहिए। बहरहाल आहूजा की ओर से राज्य को दिए गए इस ज्ञान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान का जन्म दिवस है। मैं 8 मार्च को उनके कोटा संभाग में, तो कोटा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, परंतु अग्रिम जन्मदिवस की बधाई देते हुए यह भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो अब राजस्थान के पुनः मुख्यमंत्री बनने का सोच और विचार त्याग दें और वो दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतिष्ठा का पद उनको मिले ऐसा प्रयास करें, पार्टी में या केंद्र में मंत्री होने का। और मैं उनके समर्थकों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की बजाय किसी नए व्यक्ति को, नए बंधु को यह चांस मिले वो मुख्यमंत्री बने, पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद या मनभेद न होकर एकजुट होकर अगली बार श्रीमान अशोक गहलोत साहब की सत्ता का और कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, तो किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। माननीय वसुंधरा जी को यह बात मैं 18 अगस्त 2021 को पारा पत्रकार वार्ता में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रवास के दौरान भी निवेदन कर चुका हूं। पुनः निवेदन कि वो कोई नया मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, माननीय वसुंधरा जी थोड़ा मोह त्यागे और मुख्यमंत्री बनने का सोच विचार छोड़े। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।